في يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا रहमान रहीम जी, ये बुर्जुल अरब का स्ट्रक्चर, ये अलहमदिल्ला हमारी पहली स्लैब जो है वो 70% डल गई हुई है और ये आप ह्यूज स्ट्रक्चर देख रहे हैं। बाकी की स्लैब भी इंशाल्लाह डलने वाली है और फिर हम इसकी नेक्स्ट स्लैब की तरफ मूव कर रहे हैं। ये कॉलम्स रेज हो रहे हैं, इसके बाद इंशाल्लाह पाकिस्तान में पहली दफ़ा इतना बड़ा स्ट्रक्चर बन रहा है, तो अलहमदिल्ला द क्रेडिट गोज़ टू ब्लू वर्ल्ड सिटी। जी अलहमदिल्ला आप देख सकते हैं कि सारा फाउंडेशन वर्क जो है उसमें जो रिटेनिंग वॉल है स्ट्रक्चर की वो अलहमदिल्ला थ्रू आउट बन चुकी हुई है और ये हमारे जो होटल के कमरों के फ्लोर्स हैं ये वो बन रहे हैं नीचे और उसके बाद ये पूरा लिफ्ट का शाफ्ट और इसके साथ एक स्ट्रक्चर रेज होना और जिस तरह से ये आपको बना नज़र आ रहा है इसी तरह से जैसे इसका कर्व है ऐसे ही इंशाल्लाह इसका कर्व स्टील स्ट्रक्चर में बनना है। तो अलहमदिल्ला जो कंक्रीट का मेजर काम है ये माइलस्टोन है और ये अभी जो आप हाइट आप देख रहे हैं ये हाफ़ हाइट है, ये इतनी ही जितनी नीचे हाइट है इतनी ही हाइट इसके ऊपर अभी और बननी है और हम हमारे ये जो नए नए कंपेटिटर्स मार्केट में आ रहे हैं डिफरेंट शहरों में वो तो टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर्स बना के तासुर दे रहे हैं कि दुनिया की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को यहाँ रेप्लिकेट कर रहे हैं। हम अलहमदिल्ला ओरिजिनल बिल्डिंग यहाँ पर ऑन ग्राउंड बना रहे हैं विच विल बी अ 7-स्टार होटल और ये यूटिलाइजेबल होगा एक्चुअली आप इस स्पेस के अंदर लाइक अ होटल जिस तरह बुर्जुल अरब दुबई में उसी तरह इंशाल्लाह इसको यूज़ करेंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्डिंग देख के मेरी बचपन की यादें ताज़ा होती हैं। शोएफात स्कूल है जी लाहौर में, इट्स एन इंटरनेशनल स्कूल और अरबियों की सरपरस्ती में चलता है, बल्कि लेबनीज हैं जो स्कूल को चला रहे हैं एंड वो कई मुल्कों में उसकी ब्रांचेज हैं। तो ये बिल्डिंग जो है ये बिल्कुल मुझे वो बिल्डिंग बहुत पसंद थी तो उसी को हमने मद्देनज़र रखते हुए नैयर अली दादा साहब का आर्किटेक्चर था तो उसको हमने यहाँ पर रेप्लिकेट किया है, बिल्कुल उसी तरह का कॉम्प्लेक्स बनाया। तो ये इंशाल्लाह स्टेट ऑफ द आर्ट स्कूल है जो विसिनिटी में जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उसमें किसी में भी इस मैग्नीट्यूड का इस साइज़ का अलहमदिल्ला स्कूल नहीं है और इस तरह का आर्किटेक्चर नहीं है उस तरह का। तो ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट स्कूल है जो फोर्स स्कूल एंड कॉलेज सिस्टम के पहली फ्लैगशिप ब्रांच यहाँ अलहमदिल्ला ब्लू वर्ल्ड सिटी में बन रही है। ये अलहमदिल्ला जी स्कूल की फ्रंट साइड पे आए तो ये व्यू है, ये स्कूल का मेन स्ट्रक्चर है और ये आपको सामने हॉलीवुड ब्लॉक की पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, ये सामने जनरल ब्लॉक है और यहाँ पे आप ये देखें किलोमीटर्स के हिसाब से रोड बन रहा है और ये राइट साइड पे वही जो हमारा फ्लैग पार्क है, ये सामने वाटर टैंक है, सामने वो सरीन विलाज नज़र आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें बड़ी तेज़ी से कंप्लीशन की तरफ जा रही हैं। ये जी इसकी ग्रैंड एंट्रेंस है और ये एंट्रेंस के ऊपर डोम है जो कि अभी कवर किया हुआ है लेकिन वंस इट इज़ ओपन तो इंशाल्लाह। ये साइड पर एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है और इस साइड पर भी एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक का बाकी का हिस्सा है। ये अलहमदिल्ला जी प्री स्कूल का फर्नीचर यहाँ पे आना शुरू हो गया और जो स्टाफ है वो भी हायरिंग शुरू हो गई है, एडमिशन शुरू हो गए हैं तो इंशाल्लाह विद इन द कमिंग मंथ और सो स्कूल एक्टिव होगा। ये इसके डिफरेंट क्लासरूम्स हैं जिनका फर्नीचर आना शुरू हो गया है तो इंशाल्लाह स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्टीट्यूशन बन रहा है जी और एट अ वेरी फिजिबल कॉस्ट फॉर द लोकल्स एंड द पीपल ऑफ रावलपिंडी एंड इस्लामाबाद जो अफोर्डेबल एजुकेशन लेना चाहें। ये जी हम स्कूल की बैक साइड पे खड़े हैं जो ये मेन
एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है और उसके ऊपर एग्जामिनेशन हॉल होंगे, और ये जिस बिल्डिंग की मैं खड़ा हूँ नीचे पोर्च में, ये ऊपर क्लासरूम्स हैं सारे, और इट्स अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। और ये उस स्कूल की सबसे मज़ेदार फीचर आर्किटेक्चरली ये हुआ करता था कि ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है और इसके नीचे ये बच्चों के क्लासरूम्स के साथ यहाँ पे ये ओपन स्पेस कवर्ड होती थी, और इसमें सारे बच्चे वहाँ खेला करते थे। और जो बचपन की मेरी यादें हैं उस स्कूल के हवाले से, वो बहुत स्ट्रॉन्ग इस एरिए के साथ एसोसिएटेड हैं, क्योंकि ये एक सेमी कवर्ड स्पेस है जो नॉर्मली स्कूल्स में अवेलेबल नहीं होती, और आप यहाँ पे मौसम भी इंजॉय करते हैं, गर्मियों में भी छाँव भी इंजॉय करते हैं। और यहीं से अगर निकल के आपने खेलना हो तो ये सामने ये प्लेग्राउंड एक छोटा बन रहा है, और ये बड़ा हमारा जो प्लेग्राउंड है वो बन रहा है। तो ये बड़ा मज़ेदार सा एटमॉस्फेयर जी इंशाल्लाह बनेगा। ये हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है, ये जूनियर ब्लॉक होगा, और वहाँ पे ये सीनियर ब्लॉक बन रहा है, और उसके दरमियान में ये सारा प्लेग्राउंड होगा, और ये फिर बैक साइड पे प्लेग्राउंड होगा। तो वो नज़ीर अली दादा साहब का ओरिजिनल डिज़ाइन था, और बड़ा सोच समझ के उन्होंने ये बिल्डिंग डिज़ाइन की थी, उसी को हमने रेप्लिकेट किया है, वो हमारे सीनियर हैं। और यहाँ से आप देखें पीछे बुर्जुल अरब भी नज़र आ रहा है, घोड़े भी नज़र आ रहे हैं, और ये सामने हॉलीवुड ब्लॉक भी नज़र आएगा। कल को यहाँ एक होटल रेज करेंगे, वो भी नज़र आएगा। ये नमलाम सरीन विलाज में से एक विला जो सैंपल मॉडल तैयार हो रहा है, उसमें एंटर हो रहे हैं। ये इसका मेन डोर है, एंट्रेंस पे ग्रेनाइट है, अंदर सारा टाइल वर्क हुआ हुआ है, स्टेनलेस स्टील की रेलिंग है। फिर ये आपका लाउंज और ड्राइंग रूम है, सेमी सॉलिड डोर है, नीचे टाइल वर्क हो चुका हुआ है, कैबिनेट लग चुकी हुई हैं, और ये नमला वॉशरूम की टाइलिंग हो चुकी हुई है। और ये यूनिट्स हम रेडी करके जी सबसे पहले यहाँ पे इंशाल्लाह दो महीने तक फैमिलीज आके हमारे स्टाफ की और जो कोई भी ये रेंट पे प्रॉपर्टीज़ लेना चाहेगा तो वो इंशाल्लाह यहाँ पे आके रहना शुरू कर देंगे। ये ग्रेनाइट वर्क हो चुका हुआ है, एल्युमिनियम वर्क हो चुका हुआ है, और ग्रिल्स लग चुकी हुई हैं। सॉलिड घर बने हुए हैं जी, कोई भी आके ने विजिट करें अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिटी स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, एंड क्रेडिट गोज़ टू अरशद अवान साहब जी, वो इन यूनिट्स को स्पेशली बनवा रहे हैं और अपनी सुपरविजन में बनवा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ से आप ऊपर ममटी में भी जा सकते हैं, और ये छोटा सा टेरेस है जहाँ आप बैठ के चाय कॉफ़ी पी सकते हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह जी कमर्शियल एरियाज जो डेवलप हो रहे हैं, उसमें जो प्राइवेट प्लाजास जिनके ये नॉर्दर्न एवेन्यू कमर्शियल पे जो प्लाजास थे उनमें से ये NAC 6 की कंस्ट्रक्शन शुरू है इस वक्त। ये अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं इसका फाउंडेशन वर्क हो चुका हुआ है, इसकी राफ्ट डल चुकी हुई है, और इसके कॉलम्स खड़े किए जा रहे हैं। सिमिलरली आगे जो अरशद अवान साहब बना रहे हैं NAC 7 या 8 नंबर है उसका, उसकी कंस्ट्रक्शन भी अब कोई यहाँ से नज़र आ रही है, अभी हम उस पर चलते हैं। उनका अपना प्लांट लग चुका हुआ है, और इन दोनों को हम यहाँ से कंक्रीट दे रहे होंगे इंशाल्लाह। ये अल्हम्दुलिल्लाह जी जो अरशद अवान साहब बना रहे हैं, ये उनका बैचिंग प्लांट लग चुका हुआ है, ये NAC 7 या 8 इसका नंबर है, ये भी नॉर्दर्न एवेन्यू कमर्शल है। तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह इसका फाउंडेशन वर्क हो रहा है, ये भी बड़ी तेज़ी से ऊपर जाएगा इंशाल्लाह। तो बहुत सारी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स के हवाले से आपके सामने है, पीछे कमर्शियल एरिया है, मस्जिद है, सरीन विलाज हैं, स्कूल है, ये फिर NAC 6 है, ये NAC 8 है, तो बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी शुरू हो रही हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह जनरल ब्लॉक की जी मस्जिद बन रही है, एक मस्जिद हमारी Gate 1 के करीब बनी हुई है, और ये इसके पीछे एक कमर्शियल एरिया डेवलप हो रहा है जी, ये मस्जिद का काम हो रहा है, और साथ ये कमर्शियल एरिया एक बन रहा है जो इस इलाके की जनरल ब्लॉक की लोकल आपकी समझ लें यूटिलिटी मार्केट होगी या सर्विसेज होंगी, और इसमें ग्रॉसरी और इस तरह के मामला जो हैं हर कमर्शियल अपना सेक्टर के अपने कमर्शियल एरियाज होंगे, तो ये वो डेवलप हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्हम्दुलिल्लाह जी हम बिजनेस कमर्शियल जो प्लॉट्स हैं दो दो किनाल और चार चार किनाल की, ये हम उसकी रोड पर ट्रैवल कर रहे हैं, और ये भी इस वक्त
काम शुरू करने के लिए जगह रेडी है। हमारे राइट साइड पे प्लॉट्स हैं, थोड़े डीप हैं, सबके अपने बेसमेंट्स बन सकते हैं। नीचे से शुरू करें तो ये आपकी बिजनेस कमर्शियल की सारी रोड ऑल अराउंड उसका अर्थवर्क हो गया हुआ है। अब इसके ऊपर स्टोन पिचिंग होगी सब बेस के बाद, फिर इंशाल्लाह स्पॉल्टिंग की तरफ जाएंगे। तो ये बीच में ही आप देख सकते हैं कि ये बीच वाली आखिरी रोड जो है ये भी रेडी है उसकी। ये जी आज आपको अल्हम्दुलिल्लाह हम ब्लू वर्ल्ड सिटी का जो इंजीनियरिंग ऑफिस है उसका भी विज़िट करवाते हैं। ये आप लोगों ने शायद ये फीचर नहीं कभी देखा, यहाँ 150 इंजीनियर्स आपके प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट पे अल्हम्दुलिल्लाह लगे हुए हैं। और ये उनका कार पार्क है जी, और ये स्टाफ बसेस हैं, और ये इन्होंने अच्छा खूबसूरत सा डेकोरेटिव काम किया हुआ। एंट्रेंस किधर से, वहाँ से एंट्रेंस बड़ी दूर नहीं रखी हुई कार पार्किंग से। एहसान जी क्या हाल है, खैरियत से हैं? ये जी आपका इंजीनियरिंग ऑफिस की एंट्रेंस है, वेटिंग है, क्या हाल है जी, खैरियत से हैं? और ये आसाम स्टाफ ऑफिसेज हैं, यहाँ सारे लोग बैठे हैं जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हैं, क्या हाल है जी प्राजा साहब, खैरियत से हैं? आज मैंने कहा आपके ऑफिस का इंट्रोडक्शन कराएं, क्या हाल है जी, खैरियत से हैं? मैं एक मिनट ये कंप्लीट कर लूँ। ये जी ये एक लॉबी है, इसमें सारे इंजीनियरिंग ऑफिसेज हैं, और फिर यहाँ पर जो इनकी टीम सारी मीटिंग करती है। क्या हाल है जी, खैरियत से हैं, ठीक ठाक है? मीटिंग रूम राजा साहब अपने कमरे में ले चले हैं, मैंने कहा आपके कमरे में चलते हैं। ये जी माशाल्लाह जो हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर साहब हैं उनका कमरा है, इन्होंने बड़ा माहौल बनाया हुआ है। और ये बाहर इनके यहाँ पे बैठने की जगह, तो ये जो सारी डेवलपमेंट हो रही है ये लंगला ये प्राचा साहब करा रहे हैं, और ऊपर सत्यान साहब और हैदर साहब और सारे नक्शे इन्होंने अपनी टेबल पे जोड़े हुए हैं।